एक घंटे के अंदर पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करेगी। करने के एक घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी निश्चित कर दी। निश्चित हो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बढ़ती हिंसा के बाद अब देवरिया में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में डांस कर रहे दो युवकों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने प्रतिमा विसर्जन रोककर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं प्रदर्शन की सूचना पर तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रात भर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। घटना में एक युवक को चेहरे और गर्दन के पास गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दूसरे युवक को पीठ पर जख्म है। दोनों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एक बार हमारी आपकी बात सुनने आती है, बार बार का समय मांगा जी, तो बार बार बात बदलने के लिए नहीं, एक घंटे के अंदर चुप कहाँ का रहने वाला है? काहे लिए विवाद हुआ है? ये विवाद हुआ है, वो विपक्षी टीम आके डांस करने लगे। कौन लोग थे वो? मुस्लिम। तो काहे लिए आपसे विवाद की? हम लोग बोले कि हट जाओ साइड में, तो लगे बोले नहीं हटे, वो लगने मानने। तो आप ही घायल हुए हैं, कोई और भी हुआ है? मतलब तो उतना चोट नहीं लगा, बस हमको लगे, हमको सही मिल के मारने लगे चार पांच लोग। मौके पर बढ़ता तनाव देखते हुए डीएम और एसपी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। वही घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ऐसे में देवरिया के भाट पर रानी, सलीमपुर कोतवाली, कुकुंदू, भटनी और लार समेत कई इलाकों में फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह पुलिस फोर्स की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दरअसल मामला बीती रात सलीमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राजनगर का है, जहाँ नगर पंचायत मझौली राज के वार्ड नंबर 9 शंकर नगर से रात करीब 9 बजे दुर्गा प्रतिमा को लेकर मोहल्ले के लोग छोटी गंडक नदी के नदावर घाट पर जा रहे थे। वहीं जब शाही चौक के पास पहुंचे तो दूसरे समुदाय के 3-4 युवकों ने जुलूस में डांस कर रहे राजन पटेल के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। वही राजन को बचाने में उसका दोस्त जितेश सिंह भी घायल हो गया। घटना के बाद भीड़ में अफरा तफरी मच गई, इसके चलते कुछ और लोग भी घायल हो गए हैं। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने प्रतिमा विसर्जन जुलूस को तुरंत वहीं रोक दिया और कार्रवाई की मांग को लेकर वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद मामले की सूचना मिलते ही सलीमपुर कोतवाली के अलावा फुकुंदू और लार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ दीपक शुक्ला और नायब तहसीलदार गोपाल ने घायल युवकों को सीएससी सलीमपुर भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। घटना के बाद एक युवक को चेहरे और गर्दन के पास चोट आई है, जबकि दूसरे युवक को पीठ पर जख्म है। इसके बाद घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स के साथ डीएम दिव्या मित्तल और एसपी संकल्प शर्मा भी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझा कर रात करीब 10:30 बजे फिर से मूर्ति विसर्जन शुरू करवाया। वही पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले एक आरोपी अंगूर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूरी रात लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। आप लोग एक एक बात का अनुपालन किया जाएगा, एक घंटे के अंदर पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करेगी, कोई समस्या नहीं होगी इस, लेकिन आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। सड़क में से बीच में बैठने से आपने अपना त्योहार हमें क्यों खराब करना है? कोई तीसरा व्यक्ति, निशांत अभी एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कोई तीसरा व्यक्ति यदि हमारा अच्छा त्योहार जो सौहार्दपूर्ण से हम चला रहे हैं उसे खराब करता है तो क्या हम भी करेंगे खराब? नहीं ना, हमें तो अपना त्योहार अच्छा मनाना है। जब कहा गया है सीओ साहब कह रहे हैं, ये मैं कह रही, मैं भी कह रही हूँ। अरे सुनिए, वो मैडम विसर्जन करने के एक घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी निश्चित कर दी। निश्चित हो जाएगा। देखिए मझौली राज में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जो जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है वो घायल हुआ। उसका इलाज सीएचसी सलीमपुर में करवाया गया, अभी उसकी हालत स्थिर है। उसके और परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें से मुख्य अभियुक्त जो है अंगूर आलम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य अज्ञात रूप में है। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में का जो हमारी शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था पूरी रूप से पूरी तरह से अभी संतोषजनक है और हमारा जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका है। वही पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद के चलते युवकों ने हमला किया था, एक को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। हालांकि घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। गुरुवार सुबह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों ने बाजार बंद करवा दिया। पुलिस ने पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया है। तनाव को देखते हुए मौके पर
भाटपार रानी सलीमपुर कोतवाली कुकुंदू भटनी और लार इलाके समेत कई जगहों पर फोर्स तैनात की गई है। सुबह से ही इन इलाकों में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं इस घटना पर विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि चरमपंथियों का हमला पूरी तरह अस्वीकार है, दोषियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी सात पीढ़ियां याद रखेंगी।